जी तार भाई, क्या कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में आप? ये चीज 16,000 फीट की बुलंदी पर हम मौजूद हैं जी। ये साथ के सामने इधर चाइना है जी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये चाइना गेट है। यहाँ से ये गेट कंटेनर बसेस अंदर आती है, लोग बुलंदी करते हैं और कंटेनर सामान भी जो। तो ये जो चाइनीज फ्लैग्स हैं तार भाई, इसके परली तरफ इसका मतलब है चाइनीज हिस्सा है जी। ये देखिए, ये बॉर्डर है ना, ये बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री की तरफ चाइना है, ठीक हो गया। लेकिन जो मैंने आपको बताया था पहले कि ये आठवां युवा भी है, युवा आ जाते हैं सही, ये तो इम्पॉसिबल था इसको बनाना। ठीक, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी जो थी उन्होंने इसको रिजेक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट के बाद, ठीक सर्विस के बाद, कि ये नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल। ये भाई कैमरे में आना चाह रहे हैं। इसके बनाने में पाकिस्तान और चाइना की बहुत कुर्बानियाँ भी हैं, बहुत सारे यहाँ पर कुर्बानियाँ भी दी हैं, जान से भी याद हो गए। ठीक, जब ये आप आएंगे तो टनल से गुजरेंगे, कितने पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनको काट के कितने कितने लंबी किलोमीटर्स पर वो टनल जो है वो मोहित है। आप देखेंगे तो आपको बखूबी खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितनी मुश्किलों से इस चीज़ को बनाया गया और आज आपके लोगों के लिए आसानी वगैरह पैदा की। ये बाउंड्री वाल जा रही है वो आगे तक जी, और ये वो पहाड़ तक जा रही है जी, क्या बात है। चलो बहुत अमर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे फील कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं भाई, आगे पीछे। यू हैव नो वर्ड्स टू स्पीक, नो वर्ड्स, इट मींस यू आर नॉट एंजॉयिंग हियर। हाँ जी अरसलान भाई, सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहें यार, इसके बारे में क्या कहता है भाई ने सब कुछ डिफाइन कर दिया प्रॉपर एक ग्लास को। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? आपका बीपी तो लो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ऐसा वैसा कोई नहीं, रास्ते में डराया तो बहुत गया ताहिर भाई की तरफ से, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। आधा घंटा क्या, मैं तो वैसे भी वहाँ से भाग के आया हूँ, भागने वाला भी मेरे शेक से। नाउ प्लीज ट्राई टू कैप्चर मी जी। अब्दुल रहमान प्राचा, बताना चाहूँगा कि इस जगह पे जैसा कहा गया था कि बीपी लो होता है, हल्का फुल्का हो रहा है मेरा बीपी लो, वो जो बॉर्डर है प्लीज उस तरफ घुमाइएगा, वो जो उन्होंने गेट बनाया हुआ है पाक चाइना एंट्रेंस और एग्जिट गेट है, वहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन ली है कि वो गाड़ी के बारे में, क्या गाड़ी के बारे में ताल्लुक है, ट्रेड भी होती है, ट्रेड हो रही है, ट्रक आ रहा है, इसमें पता नहीं क्या सामान होगा, पर ये ट्रेड है। इन्फॉर्मेशन हमने गेट की है कि आप अगर इजाज़तनामा ले आते हैं सेक्रेटरी गिलगित से या बीइंग एम्प्लॉई ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो आप वहाँ से इजाज़तनामा ले के अंदर बीजिंग तक कहते हैं जा सकते हैं आप, आपके पास अगर वो इजाज़त हो तो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम वो सर्टिफिकेट लेंगे और आगे चाइना तक जाने की कोशिश करेंगे, अगर चाइनीज ने इजाज़त दी। चाइनीज हमारी बड़ी फेवरेट नेशन है, हमारी इज्जत करेंगे, आई होप सो इज्जत करेंगे। चलो यार आप इससे अमर उस्ताद, अमर कैम्ब्रिज से शुमार जाते हैं, रोटी खाते वक्त ही इसका बीपी लो हो गया, देख तकस तकस।